हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि आपको पूरी एडिटिंग समझ में आए। सबसे पहले तो हमें अपनी फोटो को स्नैपचैट ऐप में ओपन कर लेनी है, तो हम सेंड के बटन पर क्लिक करके अपनी फोटो को स्नैपचैट ऐप में ओपन कर लेंगे, तो हमारी फोटो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि टूल्स पर क्लिक करना है और देन हमें कर्व्स पर जाना है, और कर्व्स पर जाने के बाद हमें ऊपर वाले जो आइकन है हाईलाइट का, उसे हम डाउन कर देना है और फिर डन कर देना है। फिर हमें टूल्स पे जाना है और फिर हमें कर्व्स पे जाना है, और देन कर्व्स पे जाने के बाद हमें शेडोज़ वाले आइकन को ऊपर हाईलाइट की तरफ स्लाइड करना है और फिर राइट क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर आयरो वाले आइकन पे क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पे हमें जाना है, और देन हम क्या करेंगे कि कर्व्स पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि सर्कल बनाना है, तो हम ब्रश कर देंगे बीच में और यहाँ पर सर्कल जनरेट कर लेंगे यहाँ पर ड्रॉ करके। तो यहाँ पर सर्कल बन चुका है, उसके बाद हम फिर राइट क्लिक कर देंगे, फिर हमें बैक आना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें फिर टूल्स पे जानी है, तो टूल्स पे जाएंगे हम और देन हमें ट्यून इमेज पे जाना है, और यहाँ पे हमें वार्म्थ को फुल 100 कर देना है, तो वार्म्थ को हम इंक्रीज़ कर देंगे 100 पे और फिर हम राइट क्लिक कर देंगे। देन हमें फिर टूल्स पे जाना है और हमें अपनी फ़ोटो को ऐड करनी है, तो हम डबल एक्सपोजर पे जाएंगे और अपनी फ़ोटो को यहाँ पर से हम ऐड कर लेंगे। तो हमने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर से ऐड कर लिया। अब हमें इस तरह इसे एडजस्ट करना है कि ये हमारी फ़ोटो जो है वो सर्कल के बीच में आए, हमारा जो हेड पोर्शन है, बॉडी पोर्शन, वो सर्कल के बीच में आए, और इसके ओपेसिटी को हम 100 कर देंगे फिर। देन हम राइट क्लिक कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर हमें फिर कर्व्स पर जाना है, और यहाँ पर कर्व्स पर जाने के बाद फिर हाईलाइट वाले आइकन को हम यहाँ पर डाउन कर देंगे, तो हमें ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमें राइट क्लिक कर देना है और देन हमें यहाँ पे मास्किंग करनी है, तो उसके लिए हम फिर व्यू एडिट्स पे जाएंगे और यहाँ पे कर्व्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है कि अपनी बॉडी को ब्रश करना है, तो यहाँ पे हम अपनी बॉडी में अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रश कर लेंगे, यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो शेडो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी तरह से ब्रश करना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आप ब्रश कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया है, यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दूँगा क्योंकि ब्रश करने में टाइम लगता है इसलिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ब्रश हो चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हमें फिर डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और इसे हमें डिलीट कर देना है, जो हमने फ़ोटो ऐड की थी उसे हमें डिलीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो कर्व्स, यहाँ पे हमारी शेडो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे थोड़ा मेंटेन कर लेंगे ड्रॉ पे जा करके, पेंसिल पे जा करके, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन छूट गया है शेडो का, तो उसे भी हमें डार्क कर लेना है। हम यहाँ पर ब्रश कर देंगे तो ये भी डार्क हो जाएगी, तो देखिए आप कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर डार्क हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर शेडो इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है हमारी फ़ोटो में। तो अच्छा से आप ब्रश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे आपका पोर्शन क्या था, अपने बॉडी का पोर्शन उसी के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ पे ब्रश करना है और कहाँ पे ब्रश नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्कल यहाँ पे ख़राब हो गया, इसलिए थोड़ा इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारी शेडो जनरेट हो चुकी है हमारी फ़ोटो में। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक कर देंगे और फिर हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे, तो हमारी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दें। मिलता हो गया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।